इंदौर शहर से कंप्यूटर बाबा ने फिर दिया एक बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के बयान पर लगातार बवाल मच रहा है। अब इस बयान ने तेजी से रफ्तार भी पकड़ ली, जिसको लेकर साधु संत समाज भी इस बयान की निंदा कर रहे हैं। जिसको लेकर कंप्यूटर बाबा ने कहा है, पृथ्वीराज चौहान ने मठ मंदिर के स्वर्ण के बारे में जो चर्चा की है, देश सेवा में मैं कहना चाहूंगा कि सभी राजनेताओं से और देश की सेवा करते हैं। अपने आप को राजनेता कहते हैं, जनता के सेवक कहते हैं। उनकी घोषित और अघोषित संपत्ति देश सेवा में उपयोग की जाए, केवल उनकी जो पितृक संपत्ति उसे छोड़ दी जाए। और साथ ही में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की घोषित अघोषित संपत्ति राजसात की जाए। वह पैसा देश सेवा में लगाया जाए। इसके बाद भी यदि देश सेवा के लिए अर्थव्यवस्था कम होती है तो फिर मठ मंदिर से है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, फिर इनका उपयोग करें, हम ये भी तैयार है। लेकिन पहले राजनेताओं को घोषित अघोषित संपत्ति है यह देश सेवा के लिए लगाई जाए, क्योंकि ये जनता के सेवक हैं, पहले इनका उपयोग किया जाए, इसके बाद ही मठ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का उपयोग किया जाए। जैसे कि पिछले दिनों माननीय पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मठ मंदिर का स्वर्ण के बारे में चर्चा की है देश सेवा में, मैं कहना चाहूँगा सभी राजनेताओं से और जो देश की सेवा करते हैं, अपने आप को राजनेता कहते हैं, जनता के सेवक कहते हैं, उनकी घोषित अघोषित संपत्ति देश सेवा में उपयोग की जाए, केवल उनकी पैतृक संपत्ति उसे छोड़ दी जाए। और साथ में ही पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की जिनकी पेंसिल बनी हुई है, इनकी पेंसिल बंद कर दी जाए, वह पैसा जो है देश सेवा में लगाया जाए। इसके बाद भी यदि देश सेवा के लिए अर्थव्यवस्था कम होती है तो फिर मठ मंदिर है ही है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, फिर इनका उपयोग करें, ये भी तैयार है। पर पहले राजनेताओं की जो है घोषित अघोषित जो संपत्ति है ये देश सेवा के लिए लगाई जाए, क्योंकि ये जनता के सेवक हैं, पहले इनका उपयोग किया जाए और इसके बाद ही मठ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का उपयोग किया जाए। धन्यवाद।